नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे कि अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं और बिना किसी आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लिए, बिना आईटीआई पढ़ाई की आप आईटीआई करना चाहते हैं, मतलब एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं ना, बिना किसी स्कूल में पढ़े हुए डायरेक्ट मैट्रिक का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। उसी तरह डीजीटी के द्वारा एनसीबीटी बोर्ड्स के थ्रू आपको मौका दिया जाता है, बिना किसी आईटीआई में एडमिशन लिए, बिना किसी रेगुलर पढ़ाई के आप आईटीआई का एग्ज़ाम देकर डायरेक्ट आईटीआई का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बताएंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 254,000 लोग जुड़ चुके हैं। इसमें अगर आप जुड़ते हैं तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कैपेंस प्लेसमेंट के लिए विभिन्न आईटीआई में आती है, उसका जानकारी आपको मिलेगा। इसके अलावा आईटीआई और नौकरी से जुड़े तमाम तरह के न्यूज और नोटिफिकेशन आपको यहां मिलेंगे। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और यहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी जगह जुड़कर आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए शुरुआत करते हैं हम। आईटीआई अगर आप करना चाहते हैं बिना किसी आईटीआई में एडमिशन लेकर, बिना किसी तरह का क्लास किए हुए डायरेक्ट आईटीआई के फाइनल एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो उसके लिए डीजीटी ने अपना एक प्रावधान रखा है। अगर आप उसके टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग होंगे तो आपको डेफिनेटली मौका मिलेगा आईटीआई करने के लिए। तो चलिए सीधे हम ले चलते हैं आपको डीजीटी का जो रूल्स है, जो नियम है, जो डीजीटी ने अपने तरह से बनाया हुआ है, उसी के बारे में डायरेक्ट हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। जैसे अगर आप फिटर से आईटीआई करना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास होना चाहिए। तो अगर आप 10वीं पास है तो आप फिटर से आईटीआई कर सकते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रीशियन हो, वेल्डर हो, कारपेंटर हो, जो भी ट्रेड के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। तो शुरुआत करेंगे पहला पॉइंट, आपका जो एज है मिनिमम कम से कम 21 साल होना चाहिए। अगर आपका एज कम से कम 21 साल है और आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो आप आईटीआई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन, आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो एक्सपीरियंस कहाँ का होना चाहिए इस बात पर भी निर्भर करेगा। तो आइए आपको हम समझाते हैं कि वैसा कंपनी, वैसा वर्कशॉप, वैसा कारखाना जो अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत आता हो, वहाँ पे अप्रेंटिसशिप कराई जाती हो, अगर उस कंपनी, उस कारखाने से अगर आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया है तो आप डेफिनेटली आईटीआई कर सकते हैं बिना किसी आईटीआई में एडमिशन लेकर, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में बैठ सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है, या तो कंपनी कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत अगर रजिस्टर्ड है तो भी आपको मौका मिलेगा आईटीआई करने का। इसके अलावा वैसा कंपनी जो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो इंटरप्राइजेज होते हैं, एमएसएमई से अगर वो रजिस्टर्ड है तो भी आप वहां से एक्सपीरियंस लेकर 3 साल का काम करके आप आईटीआई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है 3 तरह का। पहला कंडीशन, अगर वैसा कंपनी जहां से आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप वो कंपनी करवाती है तो वहां से भी 3 साल काम करके, नौकरी करके आप आईटीआई कर सकते हैं। दूसरा, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत अगर रजिस्टर्ड है तो भी आप आईटीआई कर सकते हैं, या एमएसएमई में रजिस्टर्ड कंपनी है तो भी आप वहां से काम करके आप आईटीआई कर सकते हैं। ध्यान रखना यह है कि आपका जो वर्क है वहाँ पे, जो वर्क एक्सपीरियंस है उस ट्रेड से रिलेटेड हो। अगर आप फिटर्स हैं तो फिटर से रिलेटेड अगर आप वहाँ पर काम किए तो आपको फिटर से आईटीआई करने का मौका मिल जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन का वहाँ पर वर्क कर रहे हो, उसका एक्सपीरियंस है, तो आप इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करने का, डायरेक्ट एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा प्राइवेट कैंडिडेट जो बिना किसी आईटीआई में एडमिशन लिए हुए, बिना रेगुलर क्लास किए हुए अगर आईटीआई करना चाहते हैं आप तो इस मोड से आईटीआई कर सकते हैं, ठीक है। और ये 100% मान्य है। जो लोग रेगुलर आईटीआई करते हैं, डेली क्लास करके आईटीआई करते हैं, उनके सर्टिफिकेट और आपके सर्टिफिकेट में कोई अंतर नहीं रहेगा। आप उन्हीं लोगों के साथ बैठकर आप एग्जाम देंगे, ठीक है। अब इसका फॉर्म कब आता है, फॉर्म कैसे भरेंगे? तो ये फॉर्म जो इसका निकलता है वो स्टेट लेवल पर निकलता है, मतलब हर राज्य अपने यहाँ के वैसे बच्चे जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको मौका देता है डायरेक्ट आईटीआई के AITT एग्जाम में बैठने का, ठीक है।
तो आप अपने नोडल आईटीआई में, जो आपके जिले का नोडल आईटीआई, वहां पे जाकर बात कर लीजिए, पता कर लीजिए, वहां के प्रिंसिपल से बात कर, वो लोग आपको बता देंगे कि फॉर्म कब आ गया, कब आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये स्टेट लेवल पे काम होती है। तो इस तरह से आप आईटीआई कर सकते हैं बिना किसी आईटीआई में एडमिशन लिए हुए, ठीक है। अगर आप आईटीआई कर लिए हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, इसरो, डीआरडीए, रेलवे, मेट्रो इत्यादि में जाना चाहते हैं, तो इजी वे कोचिंग अवश्य ज्वाइन कीजिए। इजी वे कोचिंग, 3 साल से इजी वे कोचिंग लगातार अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही है और इजी वे कोचिंग में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे अलग अलग कंपनियों में आज जॉब कर रहे हैं और सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अगर आप भी, आपके भी दिलो दिमाग थोड़ा सा भी आपके मन में इच्छा होगा गवर्नमेंट जॉब में जाने का, लोको पायलट बनने का, मेट्रो ड्राइवर बनने का, तो आप इजी वे कोचिंग अवश्य ज्वाइन करें। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके, अभी कॉल करके पता कीजिए कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।